गुप्त साम्राज्य। आज हम सब जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है? गुप्त साम्राज्य। प्राचीन भारत में मगध पर शासन करने वाला दूसरा प्रभावशाली राजवंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध के राजनीति में अगर दूसरा किसी राजवंश ने प्रभावशाली तरीके से शासन किया तो राजवंश था गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त नामक एक व्यक्ति ने किया था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की यदि बात कर लें तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। श्री गुप्त नामक एक व्यक्ति ने गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये जो गुप्त थे कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के क्या थे? सामंत। प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त नामक एक व्यक्ति ने किया तो गुप्त कौन था? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। मतलब इससे पहले हमने कुषाण वंश पढ़ाया था कल शायद, तो कुषाण वंश के शासन काल में एक बड़े जमींदार के रूप में थे, लोग काम करते थे उन्हीं किया। इनका मूल निवास की बात करें कि गुप्तों का मूल निवास कहां था तो थानेश्वर। मूल निवास स्थान कहां था? थानेश्वर। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। उत्तर प्रदेश और बिहार इन लोगों का मूल निवास स्थान था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी मुख्य राजधानी थी पाटलिपुत्र। बाद में चर्चा करेंगे उज्जैन भी गुप्तों ने राजधानी बनाया, उज्जैन को भी राजधानी बनाने का काम किया था, लेकिन मुख्य राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। इस वंश का जो राजधर्म था वैष्णव। गुप्त काल में जो भाषा थी संस्कृत और गुप्तों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी। मतलब गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया, संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिलाया और ब्राह्मी लिपि को जो भारत के सभी लिपियों के वर्णमाला का आधार है ब्राह्मी लिपि, विश्व की या भारत की सबसे प्राचीन लिपि यही है। इसी ब्राह्मी लिपि से भारत के अधिकांश भाषाओं के वर्णमाला का विकास हुआ। तो ब्राह्मी लिपि इनकी क्या थी? लिपि थी राजकीय लिपि। प्रश्न होगा तो जानकारी के स्रोत क्या है? जानकारी के स्रोत कि किन किन साधनों से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। इसमें हम देशी साहित्य, विदेशी साहित्य और कुछ पुरातात्विक स्रोत भी आता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी के स्रोत में। अगर हम साहित्य की बात करें, अगर देशी साहित्य की बात करें कि कौन कौन साहित्य है, कौन कौन से पुस्तक है जिनको पढ़कर हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने नाम पढ़ा होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त एक बहुत बड़े प्राचीन काल के विद्वान थे, साहित्यकार थे, जिन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, एक मुद्रा राक्षस, दूसरा देवी चंद्रगुप्त। तो मैं पढ़ रहा हूं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। याद रखेंगे इनके पहले पुस्तक मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूं। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, इस नाटक को पढ़ने से हमें गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कालिदास का नाम कौन नहीं जानता है? कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, और कालिदास एक महान नाटककार थे। अगर आपसे कोई पूछे कि कालिदास क्या थे, बहुत बड़े नाटककार थे। कालिदास
किस वंश के समकालीन थे? तो गुप्त वंश के समकालीन थे। और कालिदास ने अनेक सारे नाटक लिखा, जैसे रघुवंशम, रघुवंशम, विक्रमोवंशियम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मतलब मेघदूत, अनेक सारे पुस्तक लिखा, मैं दो तीन का नाम चर्चा कर रहा हूं। तो कालिदास ने जितना भी नाटक लिखा उन सभी नाटक को पढ़ेंगे तो आपको गुप्त वंश के बारे में ही जानकारी क्यों मिलेगी, क्योंकि जो कालिदास थे वो गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, उनके नवरत्न थे। हाँ, गुप्त काल का सबसे अच्छा विद्वान कालिदास। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा वात्स्यायन का, नाम सुने हैं, जिन्होंने कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया पुस्तक कामसूत्र भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। एक और विद्वान है शूद्रक, जिनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम, है ना, शूद्रक के द्वारा लिखा गया नाटक है मृच्छकटिकम। इस पुस्तक से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्री भी गुप्त काल में भारत की यात्रा पर आए थे। ये तो साहित्य हो गया कौन देशी, भारत के विद्वानों के द्वारा लिखा गया किताब और भी है। कुछ विदेशी की बात कर लें, विदेशी साहित्य जिनको पढ़कर हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो सभी लोग को पता है गुप्त काल में आने वाला यात्री कौन था? फाहियान। नहीं, हमने साहित्य अभिलेख है वो, हाँ तो बाद की बात है ना, अभी अच्छा बाद में करेंगे हम। हमने कहा विदेशी साहित्य में सबसे आप पहले हम क्या नाम लेंगे? फाहियान का, क्योंकि फाहियान गुप्त वंश के शासन काल में 399 ईस्वी में इंडिया आया था और 414 ईस्वी तक रहा था। इनके यात्रा वितरण का नाम है हो को की, और दूसरा कौन था? वेंसान, हाँ वेंसान, हाँ इनके है सी यू की की के आई की। इनके यात्रा विवरण का नाम है सी यू की, क्या सही है ना? इन्हें यात्रियों का ये कहते हैं। ये वेंसान 7वीं सदी में इंडिया आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, क्या, और फाहियान गुप्त काल में भारत आया था, मैंने कहा 5वीं सदी में आया था, 399 ईस्वी में आया, 414 में चला गया। इसके अलावा अलबरनी भी इंडिया में आया था, जो 11वीं सदी में इंडिया आया था, आया 11वीं सदी में, लेकिन अपने यात्रा विवरण जिनको किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं, नाम क्या है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, अन्य नाम तहकीक ए हिंद, अरबी भाषा में लिखा गया 80 अध्याय है इसमें। इस साहित्य को भी पढ़कर, इस पुस्तक को भी पढ़कर हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावे कुछ धर्म ग्रंथ हैं, जैसे पुराण, पुराण और स्मृतियां की बात कर ले, कुछ पुराण और स्मृतियां हैं जिनको पढ़कर आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब कहेंगे कौन कौन पुराण हैं, कौन कौन स्मृतियां हैं, तो पहली बात अगर आप पढ़ लेते हैं तो वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण के अलावे ब्राह्मण पुराण, इसके अलावे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, और स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति, नारद
स्मृति तथा बृहस्पति स्मृति, इनको पढ़कर हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आपने कहा कुछ अभिलेख के बारे में बताइए, तो अगर अभिलेखीय स्रोत की बात करें तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के, अगर अभिलेख वाला स्रोत की बात करें तो सबसे पहला होगा प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी का भी हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एरन अभिलेख भानुगुप्त के लिखवाया गया, एरन अभिलेख और भी है जिनको पढ़कर हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भित्री अभिलेख है, ले सकते हैं। किन आइए मुद्दे पर आते हैं, आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब गुप्त वंश के राजाओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हमने कहा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त, ठीक है। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना 200, जो कि हमने कहा कल के क्लास में शायद कि सातवाहन वंश का 240 में होता है, जहां से सातवाहन का अंत होता है वहीं से गुप्ता की शुरुआत होती है। तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक श्री गुप्त ने शासन किया, और श्री गुप्त जब राजा बना तो इन्होंने ज्यादा नहीं केवल और केवल महाराज की उपाधि धारण किया। कौन उपाधि रखा, महाराज। इस महाराज के उपाधि से ही विद्वानों ने अनुमान लगा लिया कि शायद यह कुषाणों के अधीन क्या थे, सामंत थे, क्योंकि कुषाण वंश के शासनकाल में जमींदार को महाराज कहा जाता था। कोई दिक्कत? उसके बाद इनका राज्य कहां कहां तक, श्रीगुप्त का राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था, तो प्रयाग, अयोध्या और पाटलिपुत्र जानिए रहे क्योंकि राजधानी थी, इनका राज्य यहां तक फैला हुआ था। लेकिन इन्होंने केवल और केवल महाराज की उपाधि धारण किया, महाराज के अलावे इन्होंने अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं किया था। इत्सिंग भारत में आए थे, एक चीनी यात्री है, कौन, इत्सिंग भारत की यात्रा पर आए थे, तो लिखते हैं कि श्री गुप्त ने इत्सिंग के अनुसार सारनाथ में, कहा सारनाथ में श्री गुप्त ने क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था, और 24 गांव क्या दिया, 24 गांव दान में दे दिया था ताकि मंदिर का खर्च क्या हो सके, निकल सके। ये विवरण इत्सिंग का है, और इत्सिंग इंडिया का नहीं है, चीन के यात्री। श्री गुप्त के मरने के बाद इनका बेटा राजा बना, इनका नाम था घटोत्कच, क्या नाम था, ये श्री गुप्त का पुत्र और उनका क्या था, उत्तराधिकारी था, और इनका शासनकाल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक था। घटोत्कच का शासनकाल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक था, और इन्होंने भी केवल और केवल महाराजा की उपाधि ही धारण किया। क्या, केवल और केवल महाराजा की उपाधि धारण किया, और इनका राज्य पाटलिपुत्र से आगे, मतलब पाटलिपुत्र से बढ़कर वैशाली तक इनका राज्य बढ़ गया था, क्योंकि वैशाली को पहले बसाढ़ कहा जाता था, सुने होंगे कहीं ना कहीं, वैशाली को ही बसाढ़ कहा जाता था, क्योंकि बसाढ़ में श्रीगुप्त के शासन का कुछ ना कुछ क्या मिला है, प्रमाण मिला है। बंगाल को बंग कहा जाता था। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का तीसरा राजा बना, जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन राजा बना, चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम जिनका शासन काल था 319 ईस्वी से
335 ईस्वी के बीच था। ये गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा था, प्रथम प्रतापी राजा था, और इन्होंने पहली बार महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की क्या धारण किया था, उपाधि धारण किया था, और इन्होंने क्या किया, अपनी राज सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को ज्यादा मजबूत करने के लिए लिच्छवी गणराज से वैवाहिक संबंध जोड़ा था। हालांकि इन्होंने तीन गो राज परिवार से अपना वैवाहिक संबंध जोड़ा, लेकिन खास कर लीजिए इन्होंने लिच्छवी गणराज से अपना क्या किया था, वैवाहिक संबंध जोड़ा था। और लिच्छवी गणराज की राजकुमारी का नाम क्या था, कुमार देवी, क्या नाम था, कुमार देवी से विवाह किया था। इन्होंने अपने राज्यारोहण के अवसर पर, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर 319 या 320 में एक कैलेंडर जारी किया था, जिस कैलेंडर का नाम क्या था, गुप्त संवत नाम। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर एक कैलेंडर चलाया, पंचांग चलाया, 15 समय बताने वाला, नाम था गुप्त संवत। और कई विद्वान ऐसे हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों और कार्यों को देखकर इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, गुप्त वंश का इनको वास्तविक क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। किनको, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और बात आप जान ले कि इन्होंने एक सिक्का जारी किया था, क्या किया था, सिक्का जारी किया था, जिसमें एक तरफ राजा प्लस रानी और दूसरी ओर लक्ष्मी माता का फोटो था। इस सिक्का को राजा रानी सिक्का कहा जाता था, क्या नाम था, राजा रानी सिक्का। तो राजा रानी वाला सिक्का कौन जारी किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, लेकिन इस सिक्का में एक तरफ अपने हस्बैंड और राजा रानी दोनों करवा, दूसरी ओर लक्ष्मी जी की प्रतिमा को क्या करा दिया था, अंकित करा दिया था। आगे चर्चा करते हैं गुप्त वंश के चौथे राजा की ओर हम लोग आते हैं, और गुप्त वंश के जो चौथे राजा थे हाथ में लग जाता है ज्यादा, नहीं मिटता था, दस्तर तो है, दो दो दस्तर है, लेकिन इतना चलिए कोई बात नहीं, मिट गया कैसे मिटना था। चौथा जो राजा था उनका नाम था समुद्रगुप्त। कौन आ गए, गुप्त वंश का जो चौथा राजा हुए उनका नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक, ये गुप्त वंश के सबसे महान शासक या सबसे महान राजा थे। इनका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच था। कब से कब तक इनका शासन था, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल माना जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है, माता पिता तो पहले ही जानकर, चंद्रगुप्त प्रथम इनके पिता थे और कुमार देवी इनकी क्या थी, माने पिता चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमार देवी थी। आपको बता दें, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त राजा बनने के लिए अपने भाई की हत्या किया था या भी, और इनके बड़े भाई का नाम था कांच, क्योंकि कांच माने शीशा जरूर होता है, लेकिन अभिलेखों में लिखता है
विद्वानों ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने राजा बनने से के लिए कांच नामक व्यक्ति के क्या किया था, हत्या किया था, और विद्वान लिखते कि कांच संभवतः समुद्रगुप्त का क्या था, बड़ा भाई था। और समुद्रगुप्त जब राजा बना तो अपना उद्देश्य बताया कि मैं राजा बनने का उद्देश्य क्या है, तो राजा बनने का उद्देश्य धरनी बंध, मतलब संपूर्ण धरती को जीत लेना, बांध देना हमारा लक्ष्य होगा। और संपूर्ण धरती को जीतने के लिए समुद्रगुप्त ने दिग्विजय शुरू किया था। दिग्विजय का मतलब होता दिशा को जीतना। और समुद्रगुप्त के दिग्विजय को कितने भागों में, दो भागों में कैसे बांटिएगा, चार भागों में ना बांटिएगा। समुद्रगुप्त के दिग्विजय को, दिशा को जीतने को कितने भागों में बांट दिया, चार भागों में बांट दिया। इन्होंने अपना दिग्विजय की शुरुआत पहला किया उत्तरापथ से। कहां से किया, उत्तरापथ। उत्तरापथ को आर्यावर्त भी कहते हैं, गलत की सही, अर्थात उत्तर भारत। और समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने राजा को, नौ राजा को पराजित किया। और नौ राजा को पराजित करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उत्तरापथ के कितने राजाओं को, नौ राजा को हराया। राजा का नाम लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इतना जानना है कि नौ राजाओं को पराजित किया और नौ राजा के राज को जीतकर अपने मगध साम्राज्य में, या सॉरी गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त दूसरा अभियान दक्षिण भारत की ओर करना चाहते थे, लेकिन इन्हें जानकारी मिली कि दक्षिण भारत के मार्ग में एक बीच में रुकावट है। वो रुकावट कौन है, आठवीं के राज्य। कौन राज, आठवीं के राज्य मतलब जंगली राज्य। क्या नाम था उसको, जंगली राज्य भी कहते हैं। अभिलेखों से पता चलता है, मैं इसके बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के कहां तक, जबलपुर तक जंगल ही जंगल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक जंगल ही जंगल था। इस जंगल में कितने राज थे, 18। कितने राज थे, 18। जंगली राज था। इनको डाकुओं का राज कहा जाता था। ऐसा इसलिए कि दक्षिण भारत के जो व्यापारी अपना सामान लेकर उत्तर भारत में बेचने आते, जंगल के रास्ते से गुजरते तो उनसे ही क्या लेता था, राहगीरी लेता था। क्या लेता था, राहगीरी, जिसको पथ कर, पथ माने सड़क, कर माने टैक्स। तो सड़क पर चलोगे, जंगल में हम रहते हैं, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ना तो लूट लेंगे माल। आई लूट लेता था टैक्स देने के बावजूद भी नहीं। बचपन में यो तुम लोग गन्ना का टायर डारा खींच रहे पीछे से, मजा आता है नहीं, कौन कौन खींचा है, सब खींचा है जय ना, वो आनंद ही अलग है। टिकोला तोड़ के खाने का, ट्रैक्टरों पर खींचता था, चौर गला वो खींच रहा, फेंक रहा है, दुगल उठ रहा है पीछे से। हाँ, तो वो उस यारों के पीछे से तार का डाली बांध देता है, सारा जगाना जाता है टायर पर, ट्रैक्टर पर जाली बांध दिया, खींचा भी नहीं करेगा। मैंने खाने पर ही पाबंदी लगा दे रहा है। तो पथ कर लिया जाता था, राहगीरी लिया जाता था। इस बात की जानकारी समुद्रगुप्त को मिली। दक्षिण भारत पर अटैक करने से पहले, हमला करने से पहले इन्होंने आठवीं के राज्य पर हमला किया और 18 आठवीं के राज्य को जीत लिया और सभी राजाओं को अपना क्या बना लिया, सेवक बना लिया। चलो सेवा करना,
बहुत दूसरा सेवा करवाया, अब तो हमारी सेवा करो। तीसरा अभियान किया दक्षिणा पथ, दक्षिणा, और दक्षिणा पथ माने दक्षिण भारत। दक्षिणा पथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण भारत कहा जाता है कि कर्क रेखा से नीचे या विंध्य पर्वत से नीचे वाला इलाका को दक्षिण भारत कहते हैं। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 राज्यों को पराजित किया, या 12 राजाओं को क्या किया था, हराया था, पराजित किया था। और 12 राजाओं को पराजित करके इनके राज्य को अपने गुप्त साम्राज्य में मिलाया, उसे गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया। आपको बता दें, विद्वान दो प्रकार के बात कहते हैं। एक विद्वान कहते हैं कि दक्षिण भारत के राजाओं के साथ धर्म के अनुसार शासन किया, और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, धर्म का शासन नहीं किया, बल्कि इनके साथ राजाओं को बैठा कर जबरदस्ती संधि किया। उस संधि का नाम था सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह। एक शब्द है, मैं लंबा कर दिया हूं, पुस्तक पढ़ेंगे तो एक ही को शब्द मिलेगा आपको, सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह। अर्थात सभी से, सर्व माने सभी से, कर माने टैक्स, ग्रहण माने स्वीकार करना, मोक्ष माने क्या कर देना, फ्री कर देना। बात तो धर्म के ना शासन हुआ, बात दोनों के मध्य क्या हुआ कि हम तुम्हारे राज्य को जीत लिए, लेकिन तुम्हारे राज्य को अपना राज्य हम क्या करेंगे, नहीं मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे, हम तुमको छोड़ दिए। केवल जैसे पूरे भूमि जो है, ये मत समझना कि तुम्हारे पापा जी जो खेत जो तो तुम्हारा जमीन है, या मेरा जमीन है, बिहार सरकार का जमीन क्या yes. साल में एक बार रसीद कटाते हैं ना yes. और सही समुद्रगुप्त ने कहा कि तुमको तो हम जीत लिए, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, साल में एक बार धान गेहूं करना था तो कुछ कुछ हमारे दरबार में क्या करते रहना, और नहीं करेगा तो फिर दोबारा अटैक करेगा। संधि किया, दोबारा भी मैं आ सकता हूं, इसलिए ईमानदारी पूर्वक हमारे दरबार में सबसे कर लेकर सरसमूत कर दिया, बार बार हमको नजराना वगैरह देते रहना, किसी प्रकार की परेशानी तुमको क्या होगी, नहीं होगी। उसके बाद कौन है, सीमा प्रांत, क्या है सीमा प्रांत, सीमा प्रांत मतलब समुद्रगुप्त के राज्य के अगल बगल में जो कुछ राज्य थे उन पर भी समुद्रगुप्त ने क्या किया था, हमला किया था। कुछ तो हमला करने से डरे मिल गया। सीमावर्ती राज्य के बारे में तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने किसी पर आक्रमण किया ही नहीं, ये देखा जो दक्षिण भारत के 12 राजा को हरा दिया, 18 को डाकू को हरा दिया, उत्तर भारत के 9 को हरा दिया, तो हम भाई किस खेत की मुल्ली है, डरे आके कहा कि हम आपके अधीनता को क्या करते हैं, स्वीकार कर लिया। तो लगभग 9 सीमावर्ती राज्य भी चारों बगल से उसको भी अपने राज्य में मिला दिया। इतने बड़े विजय अभियान को देखकर भारत के एक इतिहासकार है जिनका नाम है विशंट स्मिथ, इतना लड़ाई में लड़ा, एकोग में हारा उरा नहीं, इनके इसी बात को देखकर समुद्रगुप्त को विशंट स्मिथ ने क्या कह दिया, भारत का गलत कंपेलन, गलत इसलिए है कि समुद्रगुप्त का शासन काल 335 से 375 है, और नेपोलियन बोनापार्ट 1793 ईस्वी के बाद ही फ्रांस की राजनीति में आते हैं। क्या दी 1793 ईस्वी से 1815 में उनका पतन भी हो जाता है, जैसे दसवां के क्लास में आप लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़े होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ जिसका भी हो प्रश्न है। तो ये विद्वान तो मनमानी कर दिया, भाई यूरोप का हम गुलाम थे, हमारे पर दबदबा था, सब सीधा अपना से जोड़ दिया, क्या ना हटा सकते हैं। अब हटाने के लिए तो बहुत व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा, बल्कि तो आईपीसी आपसे बदलना पड़ेगा, भारत की बहुत सारी व्यवस्था है, पूरे संविधान के ही नया तरीका से व्याख्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भारत के संविधान में 1935 का अधिनियम 321 अनुच्छेद है। अपना तरफ से केवल शून्य काल का समय जोड़े हैं, बाकी जोड़े कहां कुछ, सब तो अंग्रेजी के दिल है। राष्ट्रीय ऑफिस में जो राष्ट्रीय कराने आते हैं, कातिल का अपना है ना ही, वैसे लिख देता है कि हम लोग सब पढ़े वो नहीं करता, पुरानी धरना पर परंपरावादी हम लोग हैं,
सुधारवादी परिवर्तनवादी हम लोग, जो सुधार चाहता है तो सरकार गलत है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक नहीं। खैर मुद्दे पर आइए, तो जो भी कहे विद्वानों ने कह दिया, परीक्षा में पूछता है, तुम लोग हमेशा कुछ भी करेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन कहा? उत्तर भारत के कितने राजा को जीता? आत्मिक 18। दक्षिण भारत के 12। सीमा प्रांत के 9 राजाओं को इन्होंने क्या किया था, ये जीता था। समुद्रगुप्त के बारे में सारा जानकारी आपको मिलता है जिसका अभिलेख से, उसका नाम प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त कितना लड़ाई लड़ा, राजा बनने के बाद कौन कौन काम किया, इन सारे बात की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है, इसको लिखा कौन, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला उनका दरबारी कवि जिनका नाम था हरिसेन। भाषा क्या है इनकी, लिपि क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है अभिलेख है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का क्या कहते हैं, सरताज माने सिर के मुकुट कहते हैं, सर माने माथा, ताज माने मुकुट। लेकिन एक बात जान लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को क्या इसको हम इलाहाबाद अभिलेख नहीं कर सकते, मोदी जी नहीं क्या, मैं तो अपने से कहा ना, क्योंकि इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहा जाता है, अभी भी है। हम अपना आपके लेकर घुमा के ब्रेन को दिए, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, लेकिन सर 80% आउट पूछिए। कल टेस्ट लिए, एक बच्चा कह दिया सर 25 क्वेश्चन सिलेबस से क्या है बाहर, मैंने खड़ा होकर गिना 25 को, कॉपी निकालो मैं सब दिखवाता हूँ, तो 5 को पूरा, हम बोले 5 को तो मन से डालता हूँ कि किताब पढ़ो इसके लिए, नहीं तो किताब तो अगला पीढ़ी के लिए आप लोग खरीदते हैं। कितना की किताब में दाग नहीं लगा है आज तक, सही ना बोला हूँ, रैक का स्वभाव रहा देता है, हमेशा सबको होता है, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेगा क्या ना, कहता इंसान के जीवन में समस्या रहनी चाहिए, समस्या रहेगा तो ना समाधान के लिए तो मेहनत करेगा, और समस्या ही नहीं हो तो कुछ नहीं करेगा, तो कोरी मार हो जाएगा, खाएगा सोएगा, खोएगा सोएगा, राजा महाराजा जमींदार के बेटा हो देख लेखन हो जाएगा, बेच बेच के खाएगा, क्योंकि लाइफ में कोई समस्या नहीं है, पैसा घटेगा, इकट्ठा बेचे का योगी बात है, इतना दे दे भाई बेचे का इकट्ठा, दो महीना खाएगा, देख भी रहे हैं सर अभी हम तो यही देख ही रहे हैं, झूठ बोल रहा हूँ मैं, सही बात है ना, तो ईश्वर से कहो कि ईश्वर मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं समस्या रहे, ताकि समाधान करने के लिए क्या करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, और जो इंसान संघर्ष नहीं करता है उसको जीवन का मजा नहीं आता, हाँ जब तक वही बात तो है। चाणक्य ने कहा था कि पानी से नहाकर नहीं केवल शरीर को साफ किया जा सकता है, लेकिन पसीना से नहाकर इतिहास को बदला जा सकता है, इतिहास वही बदलता है जो पसीना से क्या करता है, स्नान करता है। ये लोग तो बलजोड़ी लगाते हैं पंखा, मैं पंखा भी नहीं लगाता, बुलेट शरीर है जितना गर्म आएगा उतना तेज भागेगा, ठंडा जाएगा तो नहीं, एसी में नहीं चलता है काम, बॉडी का सुस्त हो जाता है, जी सही ना बोला हूँ, नहीं काम करता है बॉडी, सुस्त हो जाता है। यहाँ जानकारी मिलती है, और भी आगे चर्चा करूं, समुद्र को इतना ही नहीं किए, राजा को जीतने नहीं, राज्यों को जीतने के बाद इसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या किए थे, अश्वमेघ यज्ञ किए थे, क्या किए थे, अश्वमेघ यज्ञ, कई बार चर्चा करते रहो, नहीं बताऊंगा कि अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, घोड़ा की पूजा होती है, 3 दिन से चलता है, बता दिए, चौथी से पांचवी बार हो गया, अश्वमेघ यज्ञ किया था, और आपको बता दे कहीं 12 करोड़ रहा होगा, नहीं, करोड़ के साथ साथ दम जौली मुंड गालिसान भी था, क्योंकि यह कुशल वीणा वादक था, माने महान संगीतकार, संगीत में भी इसको खूब रुचि था, लड़ता था, पिटा पिटी करता था, लेकिन मौका मिलने पर वीणा बजाने से भी बाज नहीं आता था, क्योंकि प्रमाण क्या है,
तो प्रमाण इसका यह है कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। क्या प्रकार के? 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्रा का मतलब क्या हुआ? इन्होंने सोना का ऐसा सिक्का जारी किया था पर 6 को फोटो है। कितने प्रकार के फोटो है? कोनों पर गरुड़ के फोटो है, किसी पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, किसी पर धनुष चलाते हुए दिखाया है, किसी पर बाघ की हत्या करते हुए दिखाया है, किसी पर अश्वमेध करते हुए दिखाया गया है। तो जय रंग के फोटो, जय रंग का सिक्का। तो इन्होंने सोना का जो सिक्का चलाया उसमें कितने प्रकार का सिक्का है? किसी पर बीना बजाते हुए, किसी पर बाघ की हत्या करते हुए, किसी पर गरुड़ का फोटो है, क्या जी? तो ऐसा करके 6 प्रकार का सिक्का जारी किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनका सिक्का है वो गरुड़ वाला सिक्का है। कौन सिक्का? गरुड़ वाला सिक्का इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गुप्त राजाओं का राजचिन्ह भी गरुड़ था, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि गुप्त राजाओं का राजधर्म क्या था? वैष्णव। और भगवान विष्णु का सवारी क्या है? गरुड़ पक्षी है। आगे बढ़ू, अब थोड़ा सा आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते। माने ना माने, नाम है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। समुद्रगुप्त के मरने के बाद इनका बेटा बड़ा राजा बना, जिनका नाम था रामगुप्त, बड़ा बेटा था। कौन राजा बना? रामगुप्त राजा बना। इस रामगुप्त के बारे में पहली बार जानकारी 1924 में एक विद्वान ने दिया है, नाम है रखालदास बनर्जी। कहा है कि ना समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना? रामगुप्त राजा बना। दूसरी जानकारी दिया है विशाखदत्त ने। किसने? अपने नाटक में, यहां भी लिखा था देवी चंद्रगुप्तम ने, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में विशाखदत्त ने रामगुप्त की प्रामाणिकता को प्रसिद्ध किया है कि नहीं समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ही कुछ महीनों के लिए राजा बना। है कहा प्राचीन बोला? ऐसे में लिखने के लिए बोल लिख दिया हूं, मैंने इन दोनों चीज विद्वानों ने जानकारी दिया है और कहा कि नहीं समुद्रगुप्त के बाद इनका बेटा राजा बना कौन, लेकिन स्पष्ट लिखा कि बड़ा कायर था, बड़ा कमजोर था। इतना कमजोर था कि शक से लड़ाई हुआ, शक वंश, शक विदेशी था, दो दिन पहले पढ़ाए थे। शक क्या था? विदेशी। लड़ाई किया, लड़ाई में क्या हो गया? हार गया। हार गया तो शक राजाओं ने इसे क्या किया? संधि किया। क्या किया? संधि किया। इसकी जो घर वाली थी उसका नाम था ध्रुव देवी। समझ सकते उस समय ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामी, बात वही हुआ उस समय के ब्रह्मांड सुंदरी कौन होता? श्रीमंत संसार में कौन था ही नहीं, ना कहा सदी बदल कौन नहीं था। सुंदर के मुंह पर चमेली के तल जैसी कहानी हो गई, ये अपने महाकायर था, योग्य था ही नहीं। पत्नी बेहद सुंदर थी, अब पत्नी इसके जीव का जंजाल बन गई, साम्राज्य में लेकर पत्नी को ले रहा है। इसने क्या किया? शक राजा से जब हार गया संधि किया तो शक राजाओं ने कहा कि तुम्हारा राज्य बेहुदे था। yes, एकरा से बेसी बेहुदा। इसने कहा कि हम तुमको भी नहीं मारेंगे, शक राजा ने कहा, तुम्हारे राज को भी हम क्या करेंगे, नहीं हरपेंगे, शर्त है तुम्हारा पत्नी को होना दे दो। अरे भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, जैसे मैं बताऊं 12वीं के साहित्य में पढ़ना है करबक, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, नहीं एक नयन कवि मोहम्मद गोनी, जोई बिमोहा से कवि सोनी, पर है ना आप लोग, चांद जैस लग विद्या बता रहा, दिन कलंक किन्न उजियारा, बड़ी अच्छी ये कविता है। लिखा उसने कि दिल्ली के एक राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने मेवाड़ पर इसलिए आक्रमण किया, कई बार किया, कि वहां की रानी पद्मावती थी, हम उनका राज नहीं छीनेंगे, प्रखर बले के लिए चलेंगे। चित्तौर मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौर थी। एक को हाथ नहीं लगा, अंत में यहां कह दिया कि तुम्हारा मुंह शीशों में दिखा दे हमारा जी, बोला था क्योंकि पद्मावती के सुंदरता का बखान अलाउद्दीन के खिलजी के दरबार में रहने वाला एक विद्वान ने कर दिया था। वो विद्वान भी पहले चित्तौड़गढ़ में ही रहता था, चित्तौड़गढ़ में रहता था, उसने जाके कह दिया था
कि ओकरा ऐसा सुंदर तो संसार में कोनो होते नहीं, राजा का के हमसे ताकतवर राजा कौन भाई कर दिया अटैक, किला मजबूत था, एक बार नहीं जीता। बात बुझ गए? अंत में कहा एक बार तो उदय सिंह को पकड़ के ही ले आया था, तो रानी पद्मिनी भी बदल के आई, राज्य में छुरा के ले चल गई। पता चला रहे हम तो पकड़ के लाए उसके हस्बैंड को, वो अपने आके ले गए लेकिन हम उसको नहीं देखे, फिर अटैक किया। अंत में कहा कि एक बार चेहरा शीशा में देखा, डायरेक्ट नहीं दिखाना, लेकिन जौनावाली जीता, वो बार पद्मावती जौहर कर ली, आग में कूद के प्राण गंवा दी। तुमको देखने से अच्छा है कि हम कूद के जल राख देखना, फिर जौहर कर लेती। पद्मावती फिल्म में दिखाया गया और सच्ची कहानी भी है, पूरा नाटक है, किताब का नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कुछ दिन बलवन के भी दरबार में रहे। वही मैंने कहा धूप देवी को देना, क्या करें, स्वीकार कर मान लिया, कायर था ही भी, तो कुछ लोग होते हैं चार लाख दे दो, देखा कोई ना 5 रुपया दे दिया ना हो गया, कोई सन के मेके था, सम्मान प्यारा नहीं था इसे, इसे धन प्यारा था। हाँ कुछ लोग हैं आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता होऊंगा, इसके पास कोई स्वाभिमान मान नहीं, कायर था प्राण बचाने के लिए, राजा बढ़ाने की कुर्सी पर रहने के लिए अपनी पत्नी को देना स्वीकार कर लिया। लेकिन कहावत है कि घर में कुछ खानदान के यश को बढ़ाने वाले लोग भी पैदा होते हैं। इस समुद्रगुप्त का जो छोटका बेटा था, जो रामगुप्त समुद्र में क्या था, छोटा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? इस बात की जानकारी उसे मिल गई, बड़ा धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था वो, इस बात की जानकारी मिली कि हमारे भाई ऐसे ऐसा कहानी किया राजा रहने के लिए ऐसा, तो उसने भौजाई से जाके मेलजोल किया, सेटिंग किया कि थोड़ा तुम सर साथ दो, हम बदला तो ले लेंगे उसे। ध्रुव देवी तैयार हो गई, यही तो डोली सजा के रखा था कि हमारी घर वाली डोली में बैठेगी, स्वर्ग राजा के राजमहल में जाएगी, हम निचंत हो जाएंगे। उस डोली में उसकी ध्रुव देवी न बैठ के इसका छोटका बेटा कौन चंद्रगुप्त द्वितीय क्या होता, बैठ जाता है ओकरे सारी उड़ी पही निकल, सक राजा के महल में जाता है, डोली रख देता है, कहार को कहता है तुमको लेके भी चलना है, उसने कहा एक ही रात रखेंगे, वैसे दिन रखेंगे। कहानी क्या हुई, राजा तो आया कि ध्रुव स्वामिनी आई होगी, नहीं उसे क्या पता कि ध्रुव स्वामी हो सकता है, स्वामी क्या स्वामी आया होगा। महल में जैसे ही अपने घुसा, कमरा बंद किया, तलवार निकला, उसके राजभवन ने हत्या कर दिया। अब पुनः डोली में बैठ के कहां चलाया, पाटलिपुत्र आया तो अपने भौजाई ध्रुव देवी से विवाह किया, हालांकि उसके पहले शादी हो चुकी थी, ध्रुव देवी ने कही ना तू हमसे अब शादी कर लो, लेकिन भाई को जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि कायर को जीने का अधिकार नहीं। अपने भाई को हत्या कर दिया, अपने भौजाई से विवाह किया, और समुद्रगुप्त के बाद रियल में राजा कौन बना, उनका बेटा। तो आइए चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। यह सारा कहानी देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में लिखा गया है, कभी मौका मिले, मन करे, साहित्य के प्रति रुचि हो तो पढ़ लीजिएगा, अभी तो मोबाइल के प्रति रुचि रहता है, टारगेट आ रहा 1.5 GB के ना खत्म होते हैं। हाँ आग खुलता है 1.5 GB बाप रे बहुत है, दोस्त का दो ना 200 GB रोटी, भूख लगा रोटी की तरह मांगता है, 50 GB दो, 100 GB दो। चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य इनकी क्या थी उपाधि थी, और विक्रमादित्य की उपाधि शकों को हराने के कारण ही जारी किया था, और शकों को हराने को लक्ष्मी जी ने चांदी का सिक्का भी जारी किया था, क्या किया था, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का भी जारी किया, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। मैं एक बात बता दूं कि भारत के इतिहास में 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था, पूरे भारत के इतिहास में जितने भी राजा हुए हैं तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने राजा हुए हैं, 14 राजा हुए हैं। अंतिम राजा कौन था, हेमू, कौन था,
विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा हेमू था, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला भी अंतिम राजा हेमू ही था। सर, विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण कर ले? विक्रमादित्य जैसे विक्रम के समान, आदित्य के समान जिसका विक्रम हो, सॉरी हो, आदित्य माने सूर्य को कहते हैं, विक्रम जो आदित्य माने सूर्य के समान जिसकी आभा, जिसकी तेज, जिसकी ख्याति फैल रहा हो, उसी को विक्रमादित्य कहा जाता। निश्चित तौर पे था ही उज्जैन के राजा को सबसे पहले मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके पिता कौन? समुद्रगुप्त। माता कौन? दत्त देवी। माता कौन था, कौन थी, सॉरी, दत्त देवी माता थी। मतलब समुद्रगुप्त के मुख्य पत्नी, राजा के घर में कई रानियां होती हैं, लेकिन मेन रानी एक ही होती है, वगैरह पीछे सब बैक में होती है। तो इसकी जो मुख्य पत्नी थी दत्त देवी समुद्रगुप्त, उनकी उनका ये संतान थे, बेटा थे। इनका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था। किससे हुआ था? कुबेर नागा से इनका विवाह हुआ था, जो लक्ष्मी का नागवंश की राजकुमारी थी, और एक इनको बेटी थी, नाम था प्रभावती। एक बेटा था जिसका नाम क्या था? कुमारगुप्त। और अपने बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा दरबार में, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से ब्याह कराया था। किसे? रुद्रसेन द्वितीय से ब्याह कराया था, और इसी रुद्रसेन की सहायता से सबको कराया था, इसने अकेले नहीं हराया था, क्योंकि इसका शादी तो पहले हो चुका था। तो बाद में अपनी भौजाई ध्रुव देवी से ब्याह किया था। इनका बाल बच्चा बड़ा था, अपनी बेटी का विवाह भी कर चुका था। ये 10 मिनट समय लगे, बैठे ऑफिस में बैठे ऑफिस। रुद्रसेन द्वितीय से क्या किया था इसने? अपने पुत्र का विवाह किया था, इसी वकाटकों की सहायता से सबको हराने में ये किया था। देख, कह दिया था कि कुछ गड़बड़ी हो सुना के पहले से लोग ले अलर्ट रहना, ये कर देना। हालांकि बाद में वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन की हत्या कर देता है कौन? शशांक। इसी शशांक ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था उसको कटवा दिया था, कटवाया नहीं, इतना शैतान था ये कि जौर को खरवा के आग लगा दिया था जौर में, कि दोबारा जम्बे न करे। गलत सही। एक तो रानी तीक्ष्णता थी, जौहर स्वीकृत भगवा दी थी, अशोक की पत्नी रानी तीक्ष्णता थी जिसने करवा दी थी, लेकिन शशांक ने भी बोधि वृक्ष को नष्ट करवाने का काम किया था। इसी शशांक ने रुद्रसेन की क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। तो अपने बेटी के कहने पर प्रभावती के सुरक्षा के लिए इनकी अपनी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। कहां थी? पहली राजधानी। लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के खातिर अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को बना लिया। क्या? उज्जैन को अपना दूसरी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। आपको बता दें कि पहले ही बोल दिया हूं कि चंद्रगुप्त ने वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन अपनी जनता पर कभी भी अपने धर्म के सिद्धांत को थोपने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनके राज्य में शैव धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले भी रहते थे। तो ये व्यक्तिगत रूप से वैष्णव धर्म को क्या करते थे? मानते थे, लेकिन अन्य धर्म के प्रति भी इनकी सोच अच्छी थी। इनके शासन काल की बात करें तो 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और इन्हीं के दरबार में 399 ईस्वी में चीन का एक महान यात्री भारत घूमने आया था, उसका नाम क्या था? फाहियान। 399 में आया, अब कब तक रहा? 399 में आया मतलब चौथी सदी पार। तो फाहियान किस सदी में आया था? पांचवी सदी में आया था। और यहां आया था क्यों? तो बौद्ध धर्म के स्थलों को घूमने और बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त करने आया था, और वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, नाम लिखाने गए। लेकिन पहले के पढ़ाई का सिस्टम था, जो गेट पर चौकीदार होता था ना, वो प्रश्न करता था,
उसने ना भाईयान से प्रश्न किया तो उसने उत्तर इतना बड़ा विद्वान थे चीन के उत्तर नहीं दिया, नाम लिखा नहीं लिखाया, जाएंगे घूमने तो गाइड सब बताएगा आपको। तो जाकर 6 महीने ट्यूशन लिए नालंदा में स्थानीय लोगों से, फिर दूसरी बार इनका इंटरव्यू हुआ पास हुए तो वहां नाम लिखाया। कुछ महीना कुछ वर्ष यहाँ आके पढ़े हो क्योंकि लंबे अवधि तक ना रहते हैं। आज इस समय फाहियान आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर प्रिंसिपल थे उनका नाम था सील भद्र, क्या नाम था या छठा में ना बहुत पढ़ना है, छठा वाला एनसीआर में मिलेगा आपको। और इन्होंने ही कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाई कैसे होती थी, संवाद के तरीके से, वाद संवाद के तरीके से पढ़ाई होती थी, मतलब इसको कह सकते वार्तालाप। पढ़ाई का सबसे अच्छा विधि यही वार्तालाप भी थी। अभी तो हम शिक्षकों का क्या बनते जा रहा है, नया ट्रेंडिंग होते जा रहा है कि सब टीचर अपना पर बना लिया किताब, टीचर नहीं अभी तो राइटर से आप लोग पढ़ते हैं, भाग्यशाली आप लोग इतने बड़े हैं, शरीर भी टीचर अपना बना लिया है, कथी गाइड छाट छाट के 10-10 को प्रश्न, वो क्या हो गया राइटर का, किताब ले लो ना, मेरी पुस्तक। अब कौन सरकार ने मान्यता दिया मुझे पता ही नहीं, ये नहीं कहते ये समर है तो मेरी पुस्तक कैसे क्या करो पर हो, उसमें वही लिखते होंगे शायद उनको आता होता होगा जो ना पढ़ लिख सेट कर जाता होगा, नहीं शायद गलती नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको पटना में 90% टीचर है सर। हाँ तो इसीलिए तो आप लोग असफल है, डायरी से पढ़े दिमाग डायरी तक रह जाएगा, यहाँ पढ़ने वाले लोग क्यों बिना यंत्र की सहायता से, आर्यभट्ट ने कह दिया कि पृथ्वी गोल है उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी चंद्र ग्रहण का मूल कारण पृथ्वी की गतियां हैं, क्या उस समय इतना बड़ा का यंत्र था, पढ़ाई के कारण ज्ञान के कारण कह दिया था ना। आर्यभट्ट इसी गुप्त काल में ही थे जिनका जन्म तरेगना में हुआ था पटना के निकट, जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी, दशमलव की खोज शून्य की खोज क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति ज्यामिति सबका विकास आर्यभट्ट ने ही किया, क्योंकि हाँ क्योंकि आर्यभट्ट क्या थे, एक महान गणितज्ञ थे, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने नहीं दिया था, नहीं था कह बोले अभी आर्यभट्ट की चर्चा हो रही थी, बारह हम ही कहेंगे तब नाम आएगा, बेहद संहिता और सूर्य सिद्धांत उन्होंने दिया था। खैर आइए मुद्दे पर, तो वार्तालाप विधि से पढ़ाई होती थी, हम टीचर व्याख्यान दे दीजिए आप कल पढ़ के आइएगा, वार्तालाप विधि का मतलब क्या, जैसे आज मैं गुप्त काल पर व्याख्यान दे रहा हूं, मैं कुछ लिखाता नहीं हूं, आप भी नहीं लिखते हैं, आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए, आप कल पढ़ के आओ, समस्या हो तो फिर हमसे डिबेट करो, लेकिन ऐसा होगा तो कोचिंग खाली हो जाएगा, खाली बोले चले खड़े भी नहीं करे सही नहीं बोल रहा हूं, कोचिंग खाली हो जाएगा। तो यहां वार्तालाप विधि से पढ़ाई होती है, इनके दरबार में उस समय के 9 बड़े बड़े अपने अपने विधा के 9 विद्वान रहते थे जो अलग अलग क्षेत्र में क्या थे पारंगत प्राप्त किए थे, उनको नवरत्न कहा जाता था, क्या कहा जाता था, नवरत्न, माने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 बड़े बड़े विद्वान रहते थे, उन्हीं 9 बड़े विद्वान को क्या कहा जाता था, क्योंकि 9 को विद्वान कौन कौन था, नंबर 1 कालिदास, कौन था, कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, बराहमीर और बररुचि। कालिदास महान नाटककार, अमर सिंह महान नाटककार, धनवंतरी बहुत बड़ा डॉक्टर, आयुर्वेद के जनक कहा जाता है, धनवंतरी के बारे में कहा जाता है उनके गुरु ने कहा कि बेटा तुम तो पढ़ लिख के पूरा कर लिए, जंगल में जाओ 5 को पत्ता ऐसा तोड़ के लाओ जगह में कोनो गुण नहीं है, अपने सारे शिष्य को बोले सब चलवा गया जंगल में, कोने एको कोने दो को कोने तीन को पत्ता तोड़ के लाया, धनवंतरी खाली हाथ लौट गया, सबसे बाद में लौटा, सबने कहा गुरु जी हम 3 को पत्ता लाए हैं कुछ नहीं है गुण है, किसी ने कहा कि हम 2 को पत्ता लाए हैं कोई गुण नहीं है, किसी ने कहा कि 4 को पत्ता लाए हैं कोई गुण नहीं है, धनवंतरी से पूछा तो कहा गुरु जी हम तो कुछ नहीं लाए हैं, गुरु जी बहुत डांटा, लगता है कि हमारा पढ़ाई लिखा है बेकार हो गया, तो कहा कि हम जिस जहां भी गए हैं वहां में कोनो कोनो गुण हमको मिलवे किया, तो कहा कि ना रियल में मेरा शिष्य तू ही बना, क्योंकि इस संसार में परमात्मा ने जिसे भी बनाया है उसके अंदर अवगुण नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर गुण है, तब तो पृथ्वी पर विद्यमान है वो, अगर गुण नहीं होता धरती पर तो खरा ही नहीं होता,
अलग बात है कि तुम्हारा गुण हमको पसंद नहीं, हमारा कुछ गुण तुमको पसंद, लेकिन गुण तो है, तब ना तुम जिंदा रहो, चल रहे हो, फिर रहे हो, अपना जीवन यापन कर रहे हो। नौ विद्वान रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। इन्होंने कई तरह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया था, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री। इन्होंने विक्रमादित्य के अलावे देवगुप्त, देवश्री, देवराज की उपाधियां भी धारण इन्होंने क्या किया था, किया था। और इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा दिल्ली के मेहरौली में, कहा दिल्ली के मेहरौली में 16.4 इंच मोटा 6 टन वजन वाला 34 फुट लंबा लोहा का एक पिलर खड़ा करवा दिया, जिस पर क्या लिखा हुआ है, चंद्र लिखा हुआ है। तो दिल्ली के मेहरौली में आज से 2000 साल पहले लगभग, मान लो लगभग, लोहा का एक 6 टन का पिलर करवा दिया, जिसकी ऊंचाई कितना है, 34 फुट, मोटाई 16.4 इंच है। आज तक जंग लगा ही नहीं। तो दिल्ली के मेहरौली में जो लोहा का पिलर है, इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगवाया था, पहले बोल दिया हूं। और इसी के बगल में, मेहरौली के लोहा स्तंभ के बगल में ही कुतुब मीनार है, इना की कुतुब मीनार के बगल में ही है, इसके बगल में कुतुब मीनार है, क्योंकि पहले ये बना, बाद में कुतुब मीनार बना जो 5 मंजिला है। तो ये रहा, हाँ ये रहा आपका गुप्त वंश, खत्म नहीं हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय तक हुआ। अभी कई शासक है जिनके बारे में चर्चा मंडे को करेंगे, और प्रशासन के बारे में भी कर लेंगे, जानते हैं।